नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी के साथ रहता था। दीपावली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू के कोई संतान होती, वो 7 दिनों के बाद मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जिठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। तो वह ब्राह्मण बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समुन्दर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देख कर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में से जुएं निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दें
यह सुनते ही स्याऊ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना, सात अहोई बनाकर सात कढ़ाई देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है कि उसके घर में उसके सात बेटे और सात बहुएं बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने सात कढ़ाई और सात अहोई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जेठानियां बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो भाभियों ने अपने बच्चों को पता लगाने भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर पहुंची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी साऊ माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। हे अहोई माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर कोप किया, वैसे किसी पर मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय अहोई माता।